हाय, मैं हूं हर्षल wltillcoder.com से और आप देख रहे हैं HTML Basics। आज के लेसन में हम HTML में टेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली टेबल्स का यूज हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। टेबुलर फॉर्मेट ये सिमिलर होता है एक्सेल की स्प्रेडशीट से। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कभी यूज किया होगा तो आप वहां पे देख सकते हैं कि डेटा जो होता है वो रोज और कॉलम्स में छोटे छोटे डिवाइड होता है, तो वैसे ही हम टेबल्स बना सकते हैं। तो चलिए मैं सीधा आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे मेरा कोड एडिटर ओपन करना होगा, और जैसा कि आप मेरे ब्राउजर विंडो पे देख सकते हैं, अभी मेरे पास एक ब्लैंक पेज है। अब यहाँ पे टेबल बनाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टैग है जिसे हम कहते हैं टेबल, और ये टेबल टैग को मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टेबल में रोज होंगे और कॉलम्स होंगे, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रोज बनाने पड़ेंगे। तो रोज बनाने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा tr। बेसिकली tr टैग से हम रो बनाएंगे, और इस tr टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आई थिंक दो रो बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक और tr टैग बना देता हूँ। अब इस tr टैग में यानी इस रो में हमें कॉलम्स बनाने हैं, तो कॉलम मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा। यहाँ पे मैं रो में एंटर देके इसके अंदर मैं लिखूंगा td। बेसिकली td टैग का यूज करके हम टेबल में कॉलम्स बनाते हैं। अब मैं इस td टैग को क्लोज करूंगा। मैं इस टेबल में लेट्स से चार रोज बनाता हूँ, चार कॉलम्स बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं वैसे ही इस रो में भी चार कॉलम्स मैं पेस्ट कर दूंगा। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस टेबल में हम कंट्रीज और सिटीज के नाम लिखते हैं। लेट्स से सबसे पहले मैं कंट्री का नाम लिखूंगा इंडिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट कंट्री लिखूंगा कनाडा, उसके बाद मैं लिखूंगा नेपाल, लेट्स से यूनाइटेड, किंगडम, ओके यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे उनके सिटीज के नेम। तो मुझे इंडिया के सामने, इंडिया के नीचे इंडिया की सिटी लिखनी है। मैं लेट्स से लिखूंगा मुंबई, कनाडा के सामने मैं लिखूंगा टोरंटो, उसके बाद मैं नेपाल के सामने लिखता हूँ, नेपाल के नीचे काठमांडू, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के नीचे लंदन। अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो जिस ऑर्डर में मैंने कंट्रीज लिखी है उसी ऑर्डर में मैंने उन कंट्रीज की सिटी लिखी है। यानी अगर सबसे पहला मेरा कंट्री है इंडिया, तो मैं सबसे पहले नीचे की रो में सबसे पहले जो कॉलम है उसमें इंडिया की ही सिटी लिखूंगा। सेकेंड में जो मेरी कंट्री है वो है कैनेडा, तो मैं यहाँ पे कैनेडा लिखूंगा। उसके बाद है नेपाल, तो मैं यहाँ पे नेपाल की सिटी लिख रहा हूँ काठमांडू, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लंदन। ओके, तो चलिए अब हम इसे वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करके देखते हैं। अब अगर मैं मेरे वेब ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो रोज हैं, ये एक रो और ये दूसरी रो उसके नीचे की, और हमारे इसमें चार कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम। अगर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो रोज है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे बॉर्डर देते हैं ताकि हम रोज और कॉलम देख सके। अब मैं यहाँ पे टेबल जो टैग है इसमें एक HTML एट्रीब्यूट दूंगा, इसका नाम है बॉर्डर, और इसको मैं बॉर्डर जो है वो दूंगा 1 पिक्सल की, और उसके बाद मैं सेव करता हूँ। और अगर मेरे वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारी बॉर्डर मिल रही है, और वो है 1 पिक्सल की। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमें क्लियरली हमारी दो रोज और चार कॉलम्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम HTML में टेबल बना सकते हैं। आने वाले लेसन्स में हम इन टेबल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि इन टेबल्स में हेडर, टेबल हेडर्स जो होते हैं, टेबल में सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग वगैरह वगैरह। तो मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।